नमस्कार, मैं हूँ अमित त्यागी और आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसी सर्वगुण संपन्न गृहिणी से जिनका रिजल्ट आप पर्दे पर देखते हैं। आज मेरे साथ है मीरा कपूर, मीरा राजपूत कपूर, जिन्हें जो शाहिद कपूर की जो आप इतनी अच्छी उनकी उम्दा फिजीक देखते हैं उसके पीछे आई थिंक मीरा का जबरदस्त खाना आई थिंक वो वजह है। तो कहते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन, तो शाहिद की सक्सेस के पीछे मीरा का डेफिनेटली हाथ है। तो मीरा, क्या सच है ये बात? आई थिंक हम दोनों साथ साथ ही है, इट्स नॉट लाइक मैं उनके पीछे या वो मेरे पीछे। आप सबको पता है कि हम हमेशा साथ साथ में चलते हैं, या बाहर हो या जिंदगी में हो। आई थिंक वी टुगेदर इन दिस स्टेप। तो मैंने देखा है कि आप काफी चीजें मैनेज करती हैं, मतलब आप वर्कआउट भी करती हैं, बच्चों का ख्याल भी रखती हैं, शाहिद का ख्याल भी रखती हैं। आई थिंक सबसे कहते हैं कि मैनेजमेंट स्कूल शुड लर्न फ्रॉम अ हाउसवाइफ, एक क्योंकि वो सब चीजें मैनेज करती है। तो आपकी मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि काफी लोग सोचते हैं कि मेरे जैसी जो महिलाएं घर पे रहती हैं, हमारे पास यू नो हम बाहर काम पे नहीं जाते हैं, बट हमारा ही सब कुछ काम इतना ज्यादा होता है कि टाइम वैसे ही निकल जाता है। तो बच्चों का ध्यान रखना हो या घर का रखना हो, फैमिली का, अपने लाइफ पार्टनर का, उस सब में जो देखना होता है, आई थिंक जैसे आपने कहा, अगर मल्टीटास्किंग अगर किसी से सीखना हो तो डेफिनेटली हाउसवाइफ से सीखना हो। एंड आई थिंक मैंने पिछले 5 साल में यही सीखा है कि कैसे चीजों को मैनेज करना है। एंड वो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट क्वालिटी दैट आई हैव नाउ एक्वायर्ड। पिछले 4 महीने बड़े ही तकलीफ दे भी थे क्योंकि घर पे थे सब लोग और बहुत ख्याल रखना था सबको। तो ऐसे में जो घर की हमारी जो मैनेजर है, जैसे जो हमारी हाउस वाइफ होती है, चाहे हमारी मम्मी हो या वाइफ हो, उनके लिए बड़ा टफ था कि बच्चों का भी ख्याल रखें, हस्बैंड का ख्याल रखें और सबसे इम्पोर्टेंट सेहत, क्योंकि इस पेंडेमिक के टाइम पे इम्यूनिटी वॉज द बिगेस्ट थिंग जो हमें स्ट्रॉन्ग करनी थी। तो आपने क्या कुछ इंतजाम किए अपने घर पर? आपने बिल्कुल सही कहा, आजकल फिटनेस से ज्यादा हेल्थ इम्पोर्टेंट है और एक्सरसाइज से ज्यादा लोग इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और जो हमारी इम्यूनिटी अगर उसका बात करें तो वो सबसे पहले खाने से शुरू होता है। अगर हम सही खाना खाएं, सही मिश्रण में खाना खाएं, तो गुड हेल्थ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट। तो आजकल में जो हम सुन रहे हैं कि अपना खाने में थोड़ा हल्दी बढ़ाइए या जिंजर बढ़ाइए, ये तो हम सालों से सुने आ रहे हैं, जो हमारी दादी या हमारी नानी हमको बता रही है। तो मैं जब छोटी थी तो यू नो छोटा मोटा अगर जुकाम भी आ जाता था तो काढ़ा पिला देती थी हल्दी के साथ। और आजकल जो सुबह में मौसम चेंज हो रहा है, इम्यूनिटी के बारे में सब लोग कंसर्न है, उसमें थोड़ा सा हल्दी, अदरक, काली मिर्ची गर्म पानी के साथ ले तो यू नो इम्यूनिटी अपने आप में ही बढ़ जाती है। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारे जो जो मसाले हम यूज है वो अच्छी क्वालिटी के हों, क्योंकि हम बुरी क्वालिटी की मसाले यूज करेंगे तो का कोई फायदा होगा ही नहीं। और यही हमारे जो टाटा संपन्न मसाले हैं उनमें जो नेचुरल ऑयल्स है हमको छिड़ा जाता है, तो इन नेचुरल ऑयल से ही हमारी हेल्थ को बहुत बेनिफिट मिलता है। जी, ये तो बात खाने की हुई, लेकिन मौसम की अगर मैं बात करूँ तो आप क्योंकि दिल्ली में पली बड़ी हैं और आप मुंबई आ गई हैं, तो ये मैं अपनी वाइफ के साथ भी एक्सपीरियंस करता हूँ कि मुंबई का मौसम एकदम उल्टा है, तो यहाँ पे आप कुछ बाहर नहीं रह सकते हैं। तो आपको हुआ कॉन्फ्लिक्ट जब आप दिल्ली से मुंबई आई? मुझे लगता है कि बॉम्बे में आके ना दो ही सीजन होते हैं, बारिश एंड गर्मी। आई थिंक दिल्ली में एटलीस्ट दिल्ली की जो सर्दी होती है उसको हम एंजॉय कर सकते हैं, एंड यू नो और काफी लंबी दिल्ली की सर्दी, बॉम्बे में तो या तो गर्मी होती है या बारिश होती है, एंड यू आर राइट, जा सकते हैं एंड यू नो ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो इसीलिए खाने के तौर पे सीजन्स के मुताबिक जाना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो एज मच एज सीजन्स के मुताबिक जाना, सीजन की चेंज में जो चीजें खाने चाहिए उस टाइम पे हम ये इम्यूनिटी बिल्डिंग चाय पी लेते हैं या काढ़ा ले लेते हैं, या शायद तड़के में थोड़ा ज्यादा अदरक डाल दें या थोड़ा ज्यादा हल्दी डाल दें। जब दिल्ली से बॉम्बे
जब मैं आई तो ये मॉनसून के टाइम जो हमको ध्यान देना पड़ता है बिकॉज इन्फेक्शन बहुत आसानी से आ सकती है, वो चेंज मैंने अपनाया कि इस टाइम पे अपने हेल्थ के बारे में थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस रहे। और तो शाहिद तो खुद पहले से ही, मतलब जिनको मैं जानता हूँ कई सालों से जब उन्होंने शुरू किया था, वो अपने खाने को लेकर बहुत ही हमेशा से बहुत फिक्र है। आई थिंक वो वेजिटेरियन है, am I right? तो वेजिटेरियन जब होते हैं तो और थोड़ा मुश्किल हो जाता है, प्रोटीन तो आप लेना पड़ता है। तो बींग वेजिटेरियन आप शाहिद का और अपना कैसे, मतलब हाउ यू बैलेंस, लोग कहते हैं कि नहीं अच्छी बॉडी के लिए नॉन वेज खाना जरूरी है, तो हाउ यू इंश्योर दैट कि बींग वेजिटेरियन और कैसे सब न्यूट्रिएंट्स मिले आप दोनों को और आपके बेबी को भी? मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बॉडी अच्छी नहीं बनेगी, हेल्थ ठीक नहीं होएगा, बाल झड़ेंगे, मसल्स नहीं आएंगे। अगर हम तो सब कुछ बाहर से ही सीखते हैं, तो उनकी एक डॉक्यूमेंट्री निकली है गेम चेंजर्स, उसी में ही दिखाया है दैट आप प्लांट बेस्ड डाइट खा के बेस्ट बॉडी आप बना सकते। तो आई थिंक ये बस एटीट्यूड का, यू नो इट्स अ मैटर ऑफ योर एटीट्यूड कि अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एंड मैं तो बचपन से ही वेजिटेरियन हूँ और मैंने कोई, आई हैव नॉट फेस्ड एनी प्रॉब्लम, मेरे दोनों बच्चे भी वेजिटेरियन हैं। तो खाना सही मिश्रण में खाना, सीजन के मुताबिक जाना, हमारे सारे वेजिटेबल्स सारी दालें हमको उतना ही प्रोटीन, B12, कैल्शियम, विटामिन डी सब कुछ हमको मिल सकता है। बट अच्छी क्वालिटी का खाना और सब्जियां और मसाले और दाल चावल, ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट है किस टाइम पे हम खाएं। तो ऑफकोर्स आपने कहा कि शायद का खाना उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, ऑफकोर्स, बट ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन होते हुए आप बॉडी नहीं बना सकते या आप फिट नहीं रह सकते। आई थिंक वेजिटेरियनिज्म में भी द राइट वे टू हैव अ हेल्दी लाइफ फॉर मी पर्सनली। तो कभी अभी आपका मन करता है, लेजी मोमेंट्स क्या होते हैं किचन में, चलो आज नहीं मैगी बना लेते हैं, खिचड़ी बना लेते हैं, व्हाट आर द क्विक थिंग्स? मैं तो फिटी क्यों, मैगी तो रात भर का स्टेपल ब्रेकफास्ट खाना जो भी है। एंड वो तो पहले होता था ना एग्जाम के टाइम, रात रात पढ़ रहे हो तो बीच में कुछ मैगी बना लो। मैंने बहुत मैगी बनाई है, मैगी मोमोज, ये तो मैं बहुत मिस करती हूँ। दिल्ली का छोला भटूरा, बॉम्बे में तो वड़ा पाव, सेवपुरी, भेलपुरी है, बट दिल से तो मैं दिल्ली की ही हूँ, तो मुझे ये सारी चीजें पसंद है। तो ऑफकोर्स मैं तो फूडी ही हूँ, बट क्या होता है कि जब एक सर्टन पैटर्न बन जाता है तो उसी में फ्लो होते रहते हो, तो जब चीटिंग का मौका मिलता है तो 100%। तो अभी लेकिन आजकल इम्यूनिटी की बहुत बात है, बहुत जरूरी है, तो इम्यूनिटी कुछ ऐसी रेसिपी या कुछ आप बताना चाहेंगी, जैसे काढ़ा की आपने बात की, किस तरह से इम्यूनिटी, मतलब यू कैन शेयर विद आवर व्यूअर्स कुछ कर सके? ये जो काढ़ा या जो चाय की रेसिपी है, ये तो मैं मतलब काफी टाइम से सुबह लेती आ रही हूँ, इट्स नेवर बीन अ बिग डील, बट क्योंकि आज इम्यूनिटी इज सच अ बिग डील, तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ, क्योंकि ये जो हल्दी, कुटी हुई अदरक, और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप काटे नहीं, आप उसको कूटिए, क्योंकि उसमें आप जब कूटेंगे तभी उसके नेचुरल ऑयल्स की तरह निकलेंगे। तो हल्दी, अदरक, थोड़ा सा काली मिर्ची, बिकॉज अगर आप काली मिर्ची साथ हल्दी के साथ नहीं लेंगे तो जो बायो अवेलेबिलिटी है कर्क्यूमिन की वो उतनी ज्यादा नहीं होगी। एंड जस्ट दैट विथ अ लिटिल बिट ऑफ हॉट वाटर, और अगर आपको मीठा पसंद है तो उसमें थोड़ा शहद, and it's as simple as that. I think it's a full sarvagun sampann cup of tea. जी, पर जाते जाते ये पूछना चाहूंगा कि आपने शाहिद से कितना कुटवाया ये काली मिर्च और हल्दी? मैं खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी और की हेल्प चाहिए नहीं, I'm completely self-sufficient. That's the attitude. I think मीरा ने एकदम सही बात बोली, तो उम्मीद करते हैं कि सारे जो देख रहे हैं आप सबके कप चाय बनाइए। I think this one needs to help everyone. या वो घर में हस्बैंड हो, वाइफ हो, भाई, बेटी, बच्चे, सब लोग अगर थोड़ा थोड़ा काम अपने आप करेंगे तो इट विल बी इजी ऑफ एवरीवन। या आई थिंक पॉजिटिवली सोचे तो लॉकडाउन ने हमें ये सब सिखाया है। थैंक यू मीरा फॉर ज्वाइनिंग, एंड हम आप उम्मीद करें कि आप ये फॉलो करें जो इन्होंने बताया है।
ऑफ कोर्स मोस्ट डेफिनेटली जी जी थैंक यू सो मच मीरा प्लेजर टू टॉक टू यू लाइकवाइज थैंक यू सो मच थैंक यू गुड बाय